जय श्री गुरुदेव। घर में बरकत रुक गई हो या वास्तु दोष हो, घर में आपस में कलह हो रही हो, राहु पीछा नहीं छोड़ रहे हो, कभी घर में टूट फूट हो रही हो, घर के छत पर पीपल का पेड़ यदा कदा लग जा रहा हो, उखाड़ने के बाद तुरंत लग जाता है, कहीं क्रेक आ रहा हो, नल अचानक खराब हो रहे हो, बिजली अचानक खराब हो रही हो, ये सब राहु के दोष हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बहुत छोटी सी रेमेडी जो घर का वास्तु भी सुधार देगी और घर में आ रही छोटी छोटी समस्या, नकारात्मक चीजें आना बंद हो जाएगी। राहु का मुख्य स्थान है हमारा टॉयलेट, टॉयलेट में भी टॉयलेट सीट। आजकल देखा जाता है कि घर के अंदर ही टॉयलेट और बाथरूम बनाए जाते हैं। अब शहरों में रहते हैं इसलिए संभव नहीं है कि घर के बाहर बनाए जाए, लेकिन अगर यथासंभव आपके पास व्यवस्था हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो घर के अंदर लेट बात ना बनाए, घर के बाहर ही इसको बनाए, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। अब हम ना चाहते हुए भी अगर हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है, अब उससे कैसे हमारा समाधान हो, तो आप एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, खड़ा फिटकरी, फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े ले लें, नमक के टुकड़े ले लें और 5 लौंग उसमें रखकर उसको बाथरूम के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। आप देखेंगे, क्योंकि राहु जो है वो टॉयलेट की शीट है, उसको हमेशा साफ रखें। जब आप स्नान करते हैं तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, शीट की तरफ नहीं देखना चाहिए, वहां से ही राहु हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आप ध्यान रखें, घर में साफ सफाई रखें, उत्तर दिशा साफ रखें, जल की उत्तर दिशा है उसका विशेष ध्यान रखें, वहां पर कोई अग्नि चीज ना हो, लैंप या कोई भी ज्वलनशील चीज उस तरफ ना रखें। दक्षिण दिशा में आप जलने वाली चीज, दीपक या कुछ ऐसी चीज रखें तो आपके घर के अंदर और जो दोष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। आप ये करके देखें, बरकत ही बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि राहु भी आपका सपोर्ट करने लगेंगे और इतना धन्य धान्य भर देंगे, इतनी सुख शांति समृद्धि आपके घर में आ जाएगी कि आप माला माल हो जाएंगे। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, प्रफुल्लित तीर्थ से पंडित मनीष शुक्ला, आप सभी का कल्याण।